क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपके आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो जी पढ़ते क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी दैट वुड कॉस्ट ₹50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मशीनरी में पैसा लगा रहे हो, कितना रुपए लग रहा है? 50,000। कब लग रहा है? बिगिनिंग ऑफ मतलब फर्स्ट ईयर के जीरो, मतलब आज। ₹50,000 आज लगा दीजिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 18,000 पर एनम फॉर 3 years। इफ भी लिखा है आगे, इफ द कंपनी ऑप्ट टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट ₹10,000। क्या कहना चाहता है यहां? इन सच केस द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर विल बी 12,500। यहां तक मैंने पढ़ा है पैरा। मशीन खरीदा, कितने की खरीदा? 50,000। उनका ये कहना कि 3 साल तक चल सकती है मशीन, लेकिन कंडीशन है 3 साल तक तब चलेगी जब आप सर्विस करवाते हो। अगर आप सर्विस करवाते तो 50,000 की मशीन खरीदेंगे, और सर्विस का कितना रुपए का खर्चा है? कब खर्च है ये? सर्विसिंग कब करवाना? फर्स्ट ईयर में। अगर आप सर्विसिंग करवाते हो 50,000 तो आज लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना लगेगा? और 10,000। सर्विस करवाते हो तो कैश इनफ्लो हर साल आएगा, ₹18,000 पर एनम कितने साल तक आएगा? और तीसरे साल में हम मशीन को बेच भी देंगे, कितने का? 12,000 पास। ये कब काम होगा? जब आप सर्विस करवाते हो, ठीक। However, if the company decide not to service, अगर हम सर्विस नहीं करवाते तो क्या होगा? मशीन आज खरीदोगे कि नहीं? खरीद लेंगे, कितने रुपए का? 50। और सर्विसिंग नहीं करवाएंगे, अगर सर्विसिंग नहीं करवाते तो क्या होगा? However, if the company decide not to service the part, then it will have to replace at the end of year 2 15,400। क्या चीज बोल रहा है वो? इसकी अगर हम सर्विस नहीं करवाते हैं तो रिप्लेस कर देंगे ईयर 2 में, कितना? 15,400। मतलब 15,400 क्या चीज है? किसको रिप्लेस कर रहे हैं? पुरानी मशीन को कि पार्ट को? पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो। तो 12,500 सॉरी 15,400 क्या आएगा कि जाएगा? सोच लो, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, रिलैक्स होके पढ़ के। हाँ, आपको नया वाला पार्ट लेना पड़ेगा भाई, या तो उस पार्ट की सर्विस करवा लीजिए, या तो सेकेंड ईयर में आप नया पार्ट ले लेना। कितने का पड़ेगा? 15। अब नया पार्ट्स खरीदा है तो क्या उम्मीद करते हो? मशीन कितने साल तक चलेगी? आल्सो भी लिखा है ना, मतलब
तीन साल नहीं, अब फोर्थ ईयर भी चलेगी ये बोल रहा है, मतलब टोटल कितने साल चलेगी, चार साल, और कैश इनफ्लो कितना आएगा 18 पर एनम, कितने साल तक, चार साल, और फोर्थ ईयर मतलब सिर्फ 18वें साल, सॉरी 4th साल में कि पूरे 4 साल। इट मीन्स क्या कहना चाहते हो जरा बताओ, 50,000 की मशीन खरीदेंगे, सेकेंड ईयर नया पार्ट भी खर्च करना पड़ेगा 15,400, अगर ऐसा करते हो तो हर साल हमको हमारा पैसा आएगा कितना रुपए, कि सिर्फ 4th साल में आएगा 18,000, अगर आप रिप्लेस करते हो तो 4th साल 18 आएगा, 4th साल भी 18 आएगा, थैंक गॉड। बताओ हम अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं और कुछ नहीं है, आगे बढ़। आगे लिखा इट विल हैव टू स्क्रैप एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, कितना रुपए मिलेगा, 9,000। एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, वाओ, इग्नोरिंग टैक्स, बताइए कि हमें परचेस करना चाहिए मशीन एनपीवी के बेसिस पे। इट मींस एक्चुअल में ना क्वेश्चन ये है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा, सर्विस करवाए कि नहीं करवाए, परचेस ऑफ दिस बेस्ड ऑन द नेट एनपीवी के कैश फ्लो के बेसिस पे आपको डिसाइड, मतलब यही है डिसीजन ये लेना है। और फिर इफ करके भी लिखा है, इफ करके, इफ सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है 5,000 परचेस करने पे, तो बताइए आपका डिसीजन में चेंज होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देख लेंगे। सबसे पहला हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2, ऑप्शन नंबर वन, पहले में क्या करोगे, सर्विसिंग द पार्ट, और दूसरे में नो सर्विस, ठीक। गुड आफ्टरनून, तो अगर अपन सिनेरियो को देखें तो देख के बताऊंगा क्यों, क्योंकि अगर मैं 10,000 फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मैं निकाल तो हिसाब से कुछ करता हूं, 8,600 रफली क्या लग रहा है, सर्विस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, रिप्लेस कर दो ज्यादा बेस्ट, ठीक, ऐसा रफली होगा, बाकी उसको कैलकुलेशन में दिखाना, कैलकुलेशन करेंगे तो समझ। ऑप्शन नंबर वन, एक ही साथ बनाए, एक ही टेबल में आ जाएगा क्या, अच्छा ऐसा कर सकते, जैसे मशीन ए और बी है तो उसमें लेंगे सर्विसिंग द पार्ट और नो सर्विस और काम कर लेंगे, चलो पक्का ना, सब एग्री हो इस बात से, नहीं मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे आंसर मालूम है, पर ये आंसर आपको देख, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनपी
कितना परसेंट? हाँ जी, ऐसे ही बोल रहे थे ना। सर्विसिंग करेंगे, दूसरा नो सर। ठीक है, स्टार्ट कहां से करते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन। जीरो, वन, पचास हजार, ठीक है। वो इफ वाला पार्ट नहीं कर रहा है, डिस्काउंट वाला नहीं कर, थोड़ी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब दिक्कतें चालू होने वाली है भाई। सबसे पहले सुनो, मुझे बताते जाना, सर्विसिंग करवा ले क्या, मतलब उसका खर्चा लिखना पड़ेगा पहले। सर्विसिंग सर्विसिंग कॉस्ट, और सर्विसिंग का पैसा कब लगेगा? फर्स्ट 9091 कितना रुपए? 10,000। ठीक, और यहाँ कितना? 2,000। और अब क्या करें? रिप्लेस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकेंड ईयर का फैक्टर 8261 8264 कितना रुपए? 1,27,27। अब कैश फ्लो, वाओ यार, क्वेश्चन इजी हो गए ये तो। अब सीधा क्या लिखना है? कैश फ्लो। इसी में इसको पहले टोटल मारूं, फिर अलग से कैश फ्लो लिखूं, कि यही ब्रैकेट लगा के करते? चलो टोटल मार ले, प्रॉपर जैसे कर रहे थे वैसा। क्या हो गया? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तो मैं तो पहले ही बोल रहा था कि सब डाल देते यहीं पर, टेंशन खत्म। पर चलो, कैश इनफ्लो हम अलग से दिखा रहे हैं, स्क्रैप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। इस बार आपने वहां डाल दिया, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, पीआई नहीं पूछा है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, कोई बताएगा टोटल कितना? 5,90091
62727. CFAT ये सब सुनाई देता है YouTube, मैं तो देखा कल यार, सब सुनाई देता CFAT कोई बताएगा कितना आ रहा है? सुनो, CFAT में भी दिक्कत है, अब आराम से सुनना मेरी बात ठीक से. अब यहां मुझे करना पड़ेगा 1, 2, 3 और 1, 2, 4. ठीक, तो 1, 2, 3 का फैक्टर चाहिए मुझे. (2.4868) 1, 2, 4 (3.1698) अठारह हजार. (4.4716)2 लिख दूं ना. ठीक, 18,000 × 3.1698 (57056). और क्या आएगा भाई? सेल्वेस एक तो आएगा थर्ड ईयर में और एक तो आएगा फोर्थ ईयर में. फैक्टर एक सेकंड में देख लूं आप पे विश्वास कैसे हो. 12 पास कौन सा वाला है? अगर सर्विसिंग करवाते हैं तो, और अगर रिप्लेस कर देते हैं तो 9,000. नहीं, मुझे क्यों मालूम, विश्वास नहीं हुआ यार. नया पार्ट खरीद रहा है उसके बावजूद भी चौथे साल में 9,000 रुपए ही मिल रहा है, इसी वजह से. पर ठीक है, 12,500 और 9,000. फैक्टर 0.1368 30. (9), 1, 6, 1, 4, 7. चलो टोटल करते हैं. टोटल ऑफ बी 4, 4, 7, 6, 2 + 9, 3, 9, 1 (5, 4, 1, 5, 3, 6, 3, 2, 0, 3). NP भी निकलते हैं, B माइनस C. माइनस में आ गए तो 4938 और ये प्लस में कि माइनस 4 76. आंसर दिया है क्या? मैच हो गए.
और आप क्या बता रहे थे, आप पहले भी वही बता रहे थे क्या? ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, सर्विस नहीं करवाना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। is better to not to service, the part हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, एनपीवी ज्यादा आ रहा है। एक बात और है, चलो ठीक है, ये तो खो गया क्वेश्चन। इसमें अगर सुनो, वो बोल रहा है कि अगर सप्लायर 50,000 की जगह 5,000 डिस्काउंट दे देगा, 45,000 देता, क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा? दोनों में बताना पड़ेगा ना आपको, एनपीवी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो पहले बताओ एनपीवी में क्या चेंज आएगा? यहाँ पांच, तो क्या पूरा टेबल बनाए, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? इसमें 5,000 ऐड कर देते ना यार, 5,000 का फायदा है। ठीक है, तो लिख लेते, इफ सप्लायर प्रोवाइड्स डिस्काउंट, कितना रुपए, 5,000, तो अगर हम क्या करवा लेते, अगर हम सर्विस करवाते हैं पार्ट का, तो एनपीवी आएगा -4938 प्लस 5,000, 5,000 का फायदा हो गया आपका। बताओ कितना आ रहा है एनपीवी, 62। अगर सर्विस नहीं करवाते हैं, पहले से एनपीवी कितना था यार, प्लस, तो कितना जाएगा 54716। अभी भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, सर्विस नहीं करवाना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है, 50 का आंसर है -9874.70 और 953.68, या फिर है 125.30 और 10953.68। ठीक, एनपीवी, अगर सर्विस नहीं करवाते हैं, तो अगर सप्लायर का डिस्काउंट मिलता है और नहीं मिलता है, तो सर कहने का क्या चाहते हो, 1,00,000 का आधा कितना होता है, 50,000, 36,000 का आधा 18,000, तो एनपीवी का आधा तो आपने निकाला है ऑलरेडी, कहना ये चाहता हूँ फिगर डबल करके। ठीक, भगवान क्या हो गया आपको, इतना दिमाग चला सकते थे ना। स्टडी मैट का क्वेश्चन है यहाँ, और क्वेश्चन बचे हैं कि रिप्लेसमेंट के, एक बार चेक कर लो रिप्लेसमेंट। 47 अभी नहीं करेंगे, और इसी का जैसा है, 47 के ही जैसा है 52, दोनों क्वेश्चन एक जैसे, वो अभी रोक रहा है, उसके अलावा बाकी सब हो चुका है।
अगर आप अपने स्टडी मैट में जाओगे तो स्टडी मैट में ये कैपिटल बजटिंग पार्ट नंबर वन में है, दो पार्ट है आपके एफएम के, पार्ट वन में कि पार्ट टू में, पार्ट टू में किस नाम से है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी उसने एक तो लिखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा लिखा रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अभी जो आपने किया वो क्या किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब करने वाले हैं हम रिस्क, ठीक है। तो यहां के बाद था सीए फाइनल में जो डाला है वो ये डाला था, अब लिखोगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मुझे आपके साथ की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी समझते हो आप लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, ये सब कुछ आने वाला है, अब सब आने वाला है। तो पहला क्या पढ़ा था आपने, बेसिक्स, मैंने दोनों को मर्ज करके रखा है, तो पहला बेसिक्स, दूसरा पढ़ा रिप्लेसमेंट डिसीजन, अब तीसरा मेरे ख्याल से आपने देखो ना एक बार इंडेक्स देखो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। पहले लिख ले क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, और डिसीजन ट्री, खत्म। ट्री, ट्री बनाना आता है, वही बनाएंगे हम लोग, वही बनाएंगे। तो फर्स्ट लिखोगे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, फिर ये पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत कुछ है, फिर ये इसके अंदर बहुत कुछ है, फिर ये इसके अंदर, धीरे धीरे। कुछ सवालों के जवाब नहीं हो तो फर्स्ट लिखोगे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, लिख लिया ये, पहले लिखवा देता हूं, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट रिस्क इन प्रोजेक्ट। स्टेप नंबर वन,
कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी और कैश फ्लोस। ठीक, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय ठीक है बात करूंगा अभी थोड़े पहले लिखवा दूंगा फिर बात करूंगा इस बैठ कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर सीवी मीन्स हायर रिस्क कुछ समझ में आया गुड मैं चाहता भी हूं कि कुछ समझ में ना आए यहां अब मेरा काम है ना यार समझाने बिल्कुल सिंपल है बस आपको सावधानी से समझना है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी लिख लिया है ठीक है हायर रिस्क बस अभी ना लिखना नहीं है बस आप मुझे बताते जाना मैं काम करते जाऊंगा मान लो सुनते जाना मेरी बात को मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है और मुझे ये पता करना है कि इससे अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो कितने परसेंटेज की कमाई होगी रिटर्न पता लगाया जा सकता है फ्यूचर में कितना परसेंटेज कमाने वाला हूं आने वाले साल में कितना परसेंटेज कमाने वाला कैसे पता लगा सकते हैं 15% की 20% की 5% कितना मतलब काश कोई मुझे बता दे कि पास्ट में कितना कमाया मैंने कहा यार पिछले साल कमाया था 20% पिछले साल कमाया था 20% क्या सिर्फ उसी से अनुमान लगा सकते हैं नहीं सर दो चार साल का बताओ तभी तो पता लगाएंगे और मैंने बताया 5 साल का 1 2 3 4 5 और मैंने कहा यार किसी साल 10% की कमाई हुई है किसी साल 15% की किसी साल 5% की किसी साल 20% की 5 और 5 10 और किसी साल 30% की कमाई हुई ठीक तो बताओ यार कितना परसेंटेज कमाऊंगा मैं फ्यूचर करोगे क्या सिंपल है वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज कर सकते हो क्या यस सिंपल एवरेज करो कितना आ रहा है एक बार करके बताओ मुझे कितना आ रहा है 16 कैसे निकाला ऐसे नहीं है फॉर्मूला है सबको ऐड किया उसको बोलते समेशन एक्स इसका नाम लिखो एक्स
और डिवाइड किससे किया एन, तो इसको जो नाम लिया उसका क्या है एक्स बार, एवरेज को ही तो एक्स बार बोलते हैं। बोलो कितना आया 16% आया एक्स बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सीए साहब मैं आपके पास आया, मैंने कहा कितने परसेंट कमाओगे, बोले 16% कमाओगे। सर कैसे पता लगाया? अब मैं पूछूंगा ना यार आपसे कि पता कैसे लगाया, तो आप क्या बताओगे? सर पास्ट में जो हुआ ना उसके बेसिस पे। मैंने कहा भैया पास्ट में तो 10 की भी तो कमाई हुई है और 30 की भी कमाई हुई, कुछ कम भी हुआ है कुछ ज्यादा भी हुआ, तो आप भी बताओगे सर 16 हम बता रहे हैं पर पक्का नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता, फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलेंगे डेविएशन। तो मैं कहूंगा अच्छा बताओ कितना डेविएशन हो सकता, तो आप भी वो भी डेविएशन किसको देखकर निकालोगे मालूम है? पास्ट को देख, मतलब बताओ 10 भी तो आया था, मतलब हमारा अनुमान कितना है 16 पर 10 भी आ सकता है, तो बोलो माइनस की प्लस, माइनस कितना 6 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 4 प्लस 14। ये जो लिख रहे हो ये क्या लिख रहे हो सर? x माइनस एक्स बार। और सुनो 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 मेरी मेरी बात ठीक से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई कैलकुलेटर नहीं चलाएगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा पास से। जैसे ही मैंने किया तो आया 2%, मान लो 2% आया। इसका मतलब है सर कि सर आप बोल रहे 16% की कमाई होगी पर 2% ऊपर भी हो सकता है 2% नीचे भी हो सकता है, इट मींस 18 की भी कमाई हो सकती है और 14 की भी हो सकती है। इसको बोलते हैं डेविएशन, इसी का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वो किसको देखकर निकाल रहे हो आप, ये डेविएशन किसको देखकर निकाल रहे हो? पास्ट को देखकर। चलो टोटल मारो कितना आ रहा है, टोटल मार के ओहो और जीरो ही आएगा। जीरो क्यों आएगा मालूम? बीच का निकाला है, कुछ माइनस है कुछ प्लस है, दोनों को वो माइनस को हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। सर गलत है, स्क्वायर रूट भी करूंगा ना इसको हटाने के लिए, पहले स्क्वायर कर लेते हैं ठीक। तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 1 1 2 1 इन सबको जोड़ो आप, तीन सौ 70 डिवाइडेड बाय 5 करो, अब तो हो गया 74। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या लगाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा रूट, अप्रोक्स 8%। 8% का मतलब है भाई 16% की कमाई होगी पर 8% ऊपर भी हो सकता है 8% नीचे भी हो सकता है। ये कैसे निकाला 8 कैसे निकाला सर? स्क्वायर लगाया फिर ये जोड़ा, इसको क्या बोलूंगा समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये तो आया सबका सम, और डिवाइड किससे किया n से, फॉर्मूला तो यही है आपका। तो ये कुछ नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां तक ठीक है? ठीक है सर, अब लिखोगे एग्जांपल, अब लिखोगे एग्जांपल। सिंपल टॉपिक है, ऐसा है नहीं है, बस आप थोड़ा सा लॉजिक से काम करोगे हो जाएगा। सुनना ध्यान से, हम क्या निकाल रहे हैं, हम कैपिटल बस्टिंग में क्या निकाल रहे हैं एनपीवी। जो एनपीवी आएगा क्या पक्का उतना ही आएगा? तो ना हमने ना, अब ध्यान से समझना है, हमने इकोनॉमी के हिसाब से निकालने का कोशिश किया। इकोनॉमी बूम भी हो सकता है, रेसेशन भी हो सकता है या मॉडरेट भी हो सकता है। और इकोनॉमी पे हमने सर्वे करवाया यार कि क्या होने वाला, इकोनॉमी अगर रहेगा अच्छा तो हमारा एनपीवी भी ज्यादा आएगा। तो करीब करीब हमने 1000 लोगों से पूछा कि बताओ इकोनॉमी क्या होगा, उसमें से 600 लोगों ने बोला यार अच्छा जाएगा, उसमें से कुछ लोग बिल्कुल अगेंस्ट में था, 100 लोगों ने बोला कि रेसेशन देखो ना इकोनॉमी डूब जाएगा। बचा कितना? 1000 लोगों पे सर्वे है, 300 लोगों ने कहा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा,
कितने प्रतिशत लोगों का ये कहना है कि इकोनॉमी अच्छा रहेगा? 60%। 60% को क्या मैं 0.6 लिख सकता हूं? यस yes. ये कितना? और ये इसको नाम दे रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इकोनॉमी बूम रहेगा तो मेरा इस सिनारियो में एनपीवी आ सकता है 4 लाख। मॉडरेट में एनपीवी, मैं मन से लिख रहा हूं 4 लाख, मॉडरेट में एनपीवी आ सकता है 2 लाख, और सर रेसिशन में एनपीवी आ सकता है 25,000। 4 लाख भी आ सकता है, इस बात की चांसेस कितने हैं? 0.6। 2 लाख भी आ सकता है इसके 0.3। 25,000 भी आ सकता है इसका पॉइंट। मैं कहता हूं नहीं, मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज निकाल सकते हो क्या? कोई बोल रहा है 4 लाख भी आ सकता है, मैंने कहा 4 लाख, 2 लाख, 25,000 नहीं चाहिए, मुझे एवरेज एनपीवी चाहिए कि आप ऑन एन एवरेज कितना आ सकता है, निकाला जा सकता है क्या? एक्सपेक्टेड चाहिए, एक्सपेक्टेड वेटेड एवरेज ही मानना पड़ेगा। 4 लाख आ सकता है कितने प्रतिशत लोगों का है? 0.6। तो 4 लाख इंटू 0.6, 2 लाख इंटू 0.3 और 1 लाख इंटू 0.1, उसको डाल देना कितना, ठीक है, उसको क्या नाम बोला जाता है? एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा, लिखते जाना एग्जाम्पल। प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में और एनपीवी भी दिया रहेगा। प्रोबेबिलिटी है 0.3 और एनपीवी कितना है? 2.5 लाख। ठीक, झेल नहीं पाओगे 2.5 लाख। 2.5 लाख माइनस 2.5 कुछ करोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा आपके, है ना। 0.5, 1.25, बचा कितना? 0.2, 50। ठीक है यहां तक? यस सर। पहला कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपी। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, बस दो चीज करना है, पहले टेबल में करना है कि एक लाइन में करना है? टेबल में कर, टेबल में करते अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मजा आएगा। तो चलो काम करते हैं। लिख लिया है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा यार, कुछ नहीं करना, कोई CFAT नहीं निकालना, 10 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी भगवान, बस देखते हैं ना, मैं क्वेश्चन आज ही करवाने वाला हूँ। ये देख लो, ये तो है, ये एनपीवी दिया, प्रोबेबिलिटी दिया, अब ये है, ये है, ये तो सब दिया। हाँ बस यार, दो प्रोजेक्ट हो गए तो दिक्कत क्या है। चलो चलो, सबसे पहले क्या करें हम, ये दोनों निकाल रहे, तो टेबल बनाते हैं। टेबल थोड़ी सी बड़ी लगेगी, है ना। पहला जो कॉलम है उसमें P लिखना चाहिए, P means probability, P means पूरी, अच्छा ये भगवान, 0.3, 0.5 एक्स बताओगे कितना? 250, 125 और 50। 250 और कितना था? 125
50। अब हमको एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करते हैं पी से, तो यहां जाएगा पी एक्स सेवेंटी फाइव, 62.5 और 10, इसको ऐड कर लीजिए 147.5। ये तो निकाला था, इसी को बोलते एक्स बार, इसी को बोलते एक्सपेक्टेड एनपीवी। पांच नंबर मिल जाएगा, बचा पांच नंबर बस। इस अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से पांच नंबर का क्वेश्चन था, बड़ी मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा क्वेश्चन निकालना है, इतना ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको देख लें मैं। हाँ जी, अभी देखते ना, अभी देखते। ये हो गया। अब यार एनपीवी हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 147.5। हम बता रहे कि भैया 147.5 आएगा, वो कहेगा कि नहीं अगर बूम रहा तो, उनका बूम रहा तो 250 आ सकता है। एक्स ये है, इसको मत माइनस कर देना, पता लगा कि पता जोश में आके 75 माइनस 250 माइनस ये होगा, है ना। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता, मतलब डेविएशन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, 102.5 माइनस में 22.5 कितना, 97.5। और हमको अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका एवरेज करोगे तो क्या आएगा, जीरो, यही तो हमने पढ़ा है। एवरेज करने से जीरो आ रहा है, इसलिए हमको एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कोई बोलेगा कि सब किए जा रहे हैं, यही अंत। सुनो 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 मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज करने से क्या आएगा, और मेरी बात मान लिया, मेरी बात तो बोला क्यों नहीं बात यही है ना यार, बोला क्यों नहीं मतलब इतना ट्रस्ट अच्छा नहीं है है ना। चलो एवरेज करते हैं, 102.5 इंटू 0.3, एवरेज तो ऐसा होता है एक्चुअल, अगर प्रोबेबिलिटी दिया तो एवरेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 3 कभी नहीं होगा, ऐसे होता है। चलो करते हैं, 102.5 इंटू 0.3 एम प्लस में डाला, हाँ अब कर लो, अब कर लो, याद रखना ये माइनस में है। अच्छा वही पूछ, हाँ जीरो ही आएगा ना भाई, ट्रस्ट तो किया करो थोड़ा सा चलो अब काम कर, कुछ तो आगे बढ़ चुके होगे है ना। हाँ बताओ जरा क्या, तो 102.5 स्क्वायर कितना आ रहा, हे भगवान इतना बड़ा, 506.25 ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज, और एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता है। इंटू पी होता है,
1901.25. अब इसका कर देते हैं टोटल, फाइव थ्री जीरो सिक्स पॉइंट, इसका नाम बोलो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो अब हमको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसमें अभी भी स्क्वायर लगा हुआ है, उसको हटाना तो पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 5306 डिवाइड क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है ना, ये ऑलरेडी एवरेज निकल गए, तो कितना आ गया 72.8। रुपीज में, पूरा रुपीज में, ये परसेंटेज में नहीं, क्योंकि ये सब रुपीज में। अगर कोई मुझसे ये बोले कि भाई जो प्रोजेक्ट करने जा रहा है उसका एनपीवी क्या आ सकता है, तो मैं अलग अलग सिनारियो के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा यार ऑन एन एवरेज एनपीवी आएगा 147। वो कहेगा पक्का आएगा, पक्का नहीं, डेविएट हो सकता है, और कितने रुपए से डेविएट हो सकता है, 72, मतलब 72 प्लस भी आ सकता है, 72 माइनस भी। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही है, और इसी को क्या बोलते हैं, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या समझ रहे हो, फ्लक्चुएशन, कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, इसी को रिस्क बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता मालूम है, जब बचपन में पढ़ते थे, इसको बोलते थे वेरिएंस, और इसको स्क्वायर रूट करते थे तो क्या आ जाता था, स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ये नाम काम नहीं आएगा, हमारे काम की चीज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पर फिर भी लिख लीजिए वेरिएंस, अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, ये डेविएशन जो रिस्क आपने निकाला स्टैंड, ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, है ना यार। हम रिस्क का मतलब कभी भी कम ज्यादा नहीं पढ़ते एफएम में। इनका ये कहना सर कम हुआ तो रिस्क, बढ़ा हुआ तो क्यों रिस्क, हमारे एफएम में या एसएफएम में रिस्क का मतलब फ्लक्चुएशन, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए बस। तो ये क्या होना चाहिए, कभी भी कम, और एनपीवी क्या होना चाहिए, ज्यादा, टारगेट वही, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक आखिरी, दो प्रोजेक्ट है ए और बी, बताना मुझे ध्यान से, और मैंने आपसे कहा लिखना नहीं है इसको, एक्सपेक्टेड एनपीवी बताया, एक का है 200 लाख और एक में है 300 लाख, तो एनपीवी के हिसाब से दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट करना है तो कौन सा करोगे, 300 एनपीवी क्या होना चाहिए, ज्यादा, और साथ में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दिया, इसका है 50 लाख और इसका है 40 लाख, अब कौन सा करोगे, बी, अभी भी बी करोगे, क्यों बी करोगे सर, एनपीवी भी ज्यादा है और डेविएशन भी कम, अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना यार, अभी सुनो 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 सुनो, एनपीवी के हिसाब से कौन सा अच्छा, बी,
और डेविएशन के हिसाब से अब दिक्कत हो गई, अभी भी बी ही करोगे, इनका ये कहना है। क्यों रेशियो नहीं पढ़ा मैं, रेशियो कुछ रेशियो कर रहा हूँ, 100 / 200 कर रहा हूं तो कितना आ गया 0.5। इसको बोल के बताओ 100 / 200 क्या मतलब है इसका 0.5 का। सर 200 रुपया कमाओगे तो उस पर डेविएशन कितने का है 100 का, 0.5 का मतलब 1 रुपए की कमाई होती है तो बोलो डेविएशन कितने का है 50 पैसे, 50 पैसे ज्यादा भी 50 पैसे। ऐसे इसका भी निकालते हैं 120 / 300 0.4, 1 रुपए के पीछे फ्लक्चुएशन 50 पैसे का, 1 रुपए के पीछे फ्लक्चुएशन 40 पैसे का, तो कौन सा अच्छा है ये वाला, कौन सा ज्यादा रिस्की है ए, और इसका नाम क्या है, चलो नाम लिखे, ऊपर क्या लिखा डेविएशन, नीचे क्या लिखा एनपीवी एक्स बार, और इसका नाम क्या है सीवी, और हायर सीवी मतलब हायर रिस्क। ठीक है ना यार, ये तो सिंपल है, ये तो फॉर्मूला आपका पहले से देखा हुआ है, इसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो, और वही लिखवाया हूं मैंने हायर सीवी मीन्स हायर रिस्क, हैंग आउट, और क्या था इसमें, कुछ था नहीं। तो जब भी बोलेगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वैसे तो जब अगर मैं आपको जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा हमको किसके हिसाब से डिसीजन देना पड़ेगा सीवी पर, इंस्टीट्यूट क्या करता है हर बार सीवी निकाल देता है, तो हम भी निकाल देंगे। चलो जी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 59 पे जी। क्या कभी कोरिलेशन पढ़ा है अल्फा गामा थीटा बीटा, ये सब यूज होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा जब आप जब पढ़ोगे ना फाइनल में, आपको लगेगा यार ये था क्या, और फिर अभी ये सारी चीजें यूज होती है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं वो कोई बात नहीं, यहाँ सब एक एक चीज मैं समझा दूंगा, अब मैं भूल जा रहा हूं कि आपने कभी कुछ पढ़ा होगा करके उस तो पढ़ा है, क्वेश्चन बना रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, टारगेट है काम करना, ठीक है। अ कंपनी इज कंसीडरिंग 2 mutually exclusive प्रपोजल है, मतलब दोनों में से कोई एक, प्रोजेक्ट एक्स में पैसा कितना लग रहा है भाई 30,000, और प्रोजेक्ट वाई में कितना लग रहा है 36,000। बोले आप एनपीवी कैलकुलेट मत करो, हम निकाल कर दे दे रहे हैं, उसने एनपीवी दे दिया। प्रोजेक्ट एक्स में एनपीवी 3,000 भी आ सकता है, 6,000 भी आ सकता है, 12,000 भी आ सकता है, 15,000 भी आ सकता है, तो क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लोगे? हाँ, पहले नंबर पे क्या मांग रहा है एक्सपेक्टेड एनपीवी। ऐसी प्रोजेक्ट एक्स के साथ क्या करोगे, प्रोजेक्ट वाई का भी एक्सपेक्टेड एनपीवी। दूसरे नंबर पे क्या मांग रहा है रिस्क, मतलब क्या मांग रहा है आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालेंगे वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर बोल रहा है कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, जब भी ऐसा पूछेगा आपको सीवी निकालना पड़ेगा, और तीसरे में आप एक्सपर्ट हो पीआई, वो तो आता है हमको, तो सबसे पहले वही नहीं आएगा पता लग रहा है ना, सबसे पहले सबसे पहला काम है कि ये दोनों काम क्या एक ही टेबल में हो सकते हैं, यस। अब ये मत बोलना कि सब मिक्स कर दो सर, एक्स भी डाल दो वाई भी डाल दो, है ना, हाँ पहले एक्स करते फिर वाई करते। जीरो जीरो हटा के करना कि जीरो लेके करना, हटा के कर लेते बाद में जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो भाई संभाल लेना, पता लगा कि इतना बार इतना जीरो आ गया तो तब थक जाओगे, है ना, हाँ तो जीरो हटा के करते हैं बाद में मल्टीप्लाई, ऐसा कर लेते 3,612 रुपीज इन 1,000, वो ज्यादा अच्छा, वैसे हम टेबल बनाएं क्या, हाँ तो टेबल के ऊपर कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को एचडी लिख सकते हैं कि हाँ सारी दुनिया जानती है, ठीक है तो आप एचडी एचडी,
अब इसका कुछ फुल फॉर्म मत निकालने और यहां जो कर रहे हैं हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। कितनी बार प्रोबेबिलिटी दिया है, चार सिनारियो है, 0.1, 0.4 पॉइंट 1.4, 0.4 और 0.1 x p 6 12 और 15 x bar की px प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ इसी को x bar बोलेंगे। नीचे आएगा ना टोटल इंटू पॉइंट वन टू पॉइंट फोर टोटल नाइन। ये क्या आ गया एक्स बार और इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी। बोलो एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना 9,000 हो गया यहां तक। यस अभी क्या करोगे एक्स माइनस एक्स बार सीए फाइनल वाले बच्चे इसको एक्स ले लेते हैं है ना, आप इसको एक्स ले लेना माइनस नाइन बताते जाओगे माइनस इसके बाद क्या आएगा। एक काम और कर सकते ना यहीं पी से मल्टीप्लाई कर कैसा लगेगा, क्यों एक काम ज्यादा कर थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है। हाँ, इसको टोटल करते हैं 14.4 इन द डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं 14.4 थ्री पॉइंट थोड़ा सा तीन जीट बोलो कम से कम 3.794 या फिर रुपीस 379 ठीक है ना यार 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लिए तो पहला प्रोजेक्ट हो गया इसका एक्सपेक्टेड एनपीवी है 9000 और डेविएशन है 3794 नहीं वो लास्ट वाले जो कौन सा बोलेगा ना कौन सा ज्यादा रिस्की तब। अभी और क्या काम कर रहे हो आप प्रोजेक्ट वाई चलो करते हैं। P आएगा पहला कॉलम दूसरा क्या आएगा ये तो P X ही आएगा कि Y लिखेंगे Y ना यार हाँ मैं समझ गया Y भी लिख सकते हो अगर लिखना है क्योंकि हाँ पता लगा दोनों X का निकाल लिया मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहीं पहुंचे प्लीज ठीक है।
तो उसका भी एक्सपेक्टेड एनपीवी 9000 ही आ रहा है क्या? नहीं निकाला नहीं कि निकालो, ज्यादा शॉर्टकट नहीं लगाएंगे हम। अच्छा आंसर देख कर बता दो ये भगवान, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आंसर ना, वही देने वाला हूँ। हाँ एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना है? 9000। ठीक है, अब बोल रहा है यार कौन सा ज्यादा रिस्की है? अगर 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 मैं बोलता कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए तो हमको सीवी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए यार, दोनों में कमाई तो एक जैसी है, पर कौन सा ज्यादा रिस्की है? ये फ्लक्चुएशन ज्यादा है। क्या वो पूछ रहा किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए? कंप्यूटर रिस्क ठीक है इस विच प्रोजेक्ट, नहीं ये नहीं पूछा, सिर्फ बोला कि कौन सा ज्यादा रिस्की है। तो अगर मुझे सीधा, अगर मुझे सीधा डिसीजन लेना है तो प्रोजेक्ट वाई, पर ICAI क्या किया है? सीवी निकाला, हम भी निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीवी। पॉइंट नंबर टू में मांगा है शायद, वन में ही मांगा है, टू में। अच्छा टू में तो ये सब मांगा था, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ सीवी का फॉर्मूला, ऊपर है स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे है एक्स बार। सीवी कुछ नहीं, एक रेशियो ही तो है जो आप निकाल रहे हैं। X का निकाला आपने 3794 डिवाइडेड बाय 9000.42, और Y का निकाला है 4450 डिवाइडेड बाय 9000.49 है, तो 49 ही लेंगे। कौन सा ज्यादा रिस्की है? जिसका सीवी ज्यादा है, प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्क। ड्यू टू प्रोजेक्ट वाई है ना, due to higher CV. That's it. बताओ 10 नंबर मिल गए, इतना भी आसान नहीं था, कैलकुलेशन था इसमें। अच्छा अभी नहीं मिला, अभी PI भी तो मांगा है भाई, वो तो आता है वैसे आपको। PI का फॉर्मूला पता भी है कि भूल गया? हाँ तो निकाल लो फिर, तो रखा क्यों?
हाँ पीवीसीआई डिवाइडेड बाय, तो प्रोजेक्ट एक्स का 30,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 30,000। याद है मैं ऐसे करता था तो लोग ऑब्जेक्शन ले लिए थे कि सर आप सीधा करो करके, मुझे अभी भी याद है, यहाँ यहीं से आवाज आई। आप आंसर कितना आ रहा है यार, कोई बताएगा कि? +9,000 डिवाइडेड बाय कितना? 36,000। सही तो बोला, 1.2। और कुछ बोला नहीं है, बस निकाल के रख दो। तो यहाँ आप ज्यादा वो मत बता देना, नहीं ये करना चाहिए, कुछ नहीं, जो बोला है कैलकुलेट तो कैलकुलेट, खत्म। एग्जाम में आया था नवंबर 2020, मतलब अभी अभी की बात है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर, करना तो पड़ेगा ही। इस बार उसने आपको एनपीवी नहीं दिया, उसने कैश फ्लो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो भी दिया तो हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे, वही पूछेगा, पढ़ते क्या क्या पूछ रहा। ये दिया कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी दिया, और कैश फ्लो दिया, प्रोबेबिलिटी दिया। सबसे पहले नंबर पे क्या मांगा? एक्सपेक्टेड, एनपीवी नहीं मांगा इस बार, क्या मांगा है? कैश फ्लो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते। फिर वेरियंस, याद है मैंने कहीं लिखवाया ये वेरियंस, वो मांगा, अलग से मांगा। सर आपको पहले से पता था क्या? हाँ। फिर क्या मांगा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर क्या मांगा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और लास्ट में बोला है कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, सीवी निकाल गए, सीवी जिसका 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 सीवी ज्यादा आएगा। नहीं वो ये नहीं बोल रहा कौन सा रिस्की, वो बोल रहा कौन सा करेंगे, जिसका सीवी कम आएगा उसको करेंगे। तो भगवान का नाम लेके करते हैं कि कर लोगे, होमवर्क दे दूं। इसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? नवंबर, हाँ वैसा भी कर सकते। मैं टेबल बनाता ही नहीं इसके लिए, मैं तो एक लाइन में कर देता। हाँ कर सकते हैं, अलाउ। हाँ जी टेबल अच्छा लग रहा है कि आप प्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो। सर 57 जो एमटीपी में डला हुआ था मार्च 2022 आठ नंबर का, सर प्लीज ये भी हम ही बनाएंगे, गुड होमवर्क। सुनो भाई 55 पे, अच्छा क्वेश्चन है 55, यहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा 55, ठीक 55 जाना है, अच्छा 55 चलेंगे, अभी तो पार्टी ड्यू है ना, बच नहीं सकते हो। हाँ अजय सुनो ना, ये टॉपिक जल्दी खत्म होगा तो हम जल्दी चलेंगे, चाहे समझ में आए ना आए, हाँ हाँ बोलते रहिए। बताओ इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 4 लाख। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो ओवर नेक्स्ट 5 साल। बोले अगले 5 साल तक पैसा आएगा, पर कितना कितना आएगा इस बात की सर्टिनिटी नहीं, पता नहीं। मतलब
50 भी आ सकता है हर साल, कितने साल तक आएगा 50, 5 साल, हर साल 50 भी आ सकता, या तो फिर हर साल 1-1 लाख भी आ सकता है, या तो बूम रहा तो 1-50, 1-50 भी आ सकता है। और ये क्या दिया उसने, प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ये सिनारियो है, एक ये सिनारियो, एक ये सिनारियो, और पांचवे साल में कितना पैसा मिलेगा, 40,000। ये क्या होगा यार, रेसिडुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 5%। आपको एनपीवी निकालना है, और सुनो पिछली बैच, क्योंकि ये मिसप्रिंट था, यहां क्या लिखा था, एनपीएन। तो मैं बच्चों से पूछा, बताओ क्या सोचते हो एनपीएन क्या होता, आंसर आ गया मतलब कुछ भी चीज आप बता सकते हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, तो एनपीवी। और पता नहीं अजीब अजीब से आंसर देने लगे थे। आपको तीन अलग अलग सिनारियों में एनपीवी निकालना है, तीन सिनारियों में, समझ रहे हो। पहला कैश फ्लो क्या मान के चलो, 50,000, फिर 1 लाख, और फिर 1 लाख, और फैक्टर दे ही रखा है। और फिर जब एनपीवी, कितनी एनपीवी निकल जाएगी, तीन, तो जैसे ही एनपीवी निकलेगी बोले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कुछ निकलता है, और क्या निकलता है, एक्सपेक्टेड एनपीवी, बस बोले डेविएशन वेविएशन मत निकाल, करेगा नहीं, एडवाइस करना है, ओहो एडवाइस करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं ना यार, हम लोग पहला काम क्या करें, हम लोग सबसे पहला काम है कि अलग अलग सिनारियो से क्या निकाले, एनपी। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपी, एनपी और एनपीवी का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो सबसे पहले सिनारियो नंबर वन, जिसमें कैश फ्लो कितना आ रहा है हर साल, पचास हजार, एनपीवी इज इक्वल टू, हर साल आएगा 50,000, अलग अलग 50-50 करके लिखना है कि एक साथ लिखेंगे, एक ही बार लिखते 50,000, और इन सबको जोड़ लेते, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट है, 0.5 है, पर ये क्या हमारे काम का है, नहीं, फैक्टर काम का है, बोलो ना यार सीधा, क्यों टेंशन ले रहे, मिसप्रिंट है वो, मिसप्रिंट है 50% डिस्काउंटिंग रेट। अब लोग ये खोजने की कोशिश करेंगे कि लिखा क्या है, अब टेंशन मत लो, हाँ कितना आ रहा, 4.33, बस 3 डिजिट, नहीं 0, ठीक, 50,000 × 4.330। अच्छा एनपी भी निकल गए, अच्छा गुड, पर आप सैलवेज तो भूल ही जाते हो हमेशा, 0.78। वाहनचालक हाँ माइनस आ सकता है यार, देखो सिनारियो दिख रहा है ना आपको, बहुत बुरी कंडीशन की बात कर रहा है, बताओ कितना है एनपी, 1, ये एनपीवी, किसी का माइनस में आया तो फिर दोबारा कैलकुलेट किया होगा आपने, नहीं किया ना, कॉन्फिडेंस था ना। सिनारियो टू, इसमें कैश फ्लो कितना है, 1 लाख, हर साल का 1 लाख,
फिर एनपीवी निकालोगे, इस बार 1,00,000 इंटू 4.330 प्लस 40,000 इंटू 0.784 माइनस 4,00,000 कितना 3,463,360 सिनेरियो 3 जिसमें कैश फ्लो 1,50,000 280। अब क्या मांगा है, ये तो हो गया हमारा अलग अलग से। एक्सपेक्टेड एनपीवी तो निकाल सकते हो, ये एनपीवी यानी कि प्रोबेबिलिटी है 0.3, ये एनपीवी की है 0.3 और ये एनपीवी की है 0.4, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल जाए। चलो काम करते हैं, टेबल वेबल मत बनाना इसके लिए। पहला एनपीवी है -152,140 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.3 प्लस 64,360 और इसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट 280,860 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आ गया। मेरे पास तो आंसर 86010 करेक्ट। मैंने गलत लिखा ऐसा बोल रहे हो? पूरा सेंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, hence project should be accepted. बस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक हो गया। हाँ बस मैं होमवर्क ही देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। प्रोजेक्ट जेड है, कितना पैसा लग रहा है, कितना लाइफ है 5 साल, और 3 सिनारियो दिख रहा है, अपर बेस लोअर, मतलब ठीक है वो समझ गए कोई भी हो,
बोले सेल्स कितना कितना हो सकता है, बोले 4500 यूनिट्स भी हो सकता है, 5000 यूनिट्स भी हो सकता है, 5500 अलग अलग सिनेरियो है। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, और ये सेल्स कितने साल तक होगा, 5 साल तक, ये भी कितने साल तक, 5 साल। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसमें से माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट, और फिर डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड है। सीएफएटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल लो। जो सीएफएटी इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो इसके हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करना है आपको, 15%। आपको निकालना एनपीवी और तीन अलग अलग सिनारियो में निकालना है, निकाल सकते इस सिनारियो से एनपीवी कितना, इससे कितना, इस पर तीनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सीएफएटी, ठीक है, और बस इतना ही पूछा, एक्सपेक्टेड एनपीवी मांगा नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं दिया, हो जाएगा ये क्वेश्चन। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या लिखा है 15% के सबसे, एज फॉलोस, वो है नहीं मेरे पास, आपके ऊपर दिया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन होमवर्क, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप में से कोई एक जवाब दो। अच्छा हो गया, ये टॉपिक ही खत्म। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपका तीन अलग अलग सिनारियो से एनपीवी निकलता, इसका निकलता -2500, इसका निकलता 5000 और इसका निकलता 7000, ठीक है, और क्वेश्चन बोलता एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, फिर कैसे करते। इसमें भी एनपीवी निकाला, मन से बोला हूं -2500, इसमें एनपीवी है 5000, इसमें एनपीवी है 7000। हाँ जी, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, प्रोबेबिलिटी या तो दिया रहेगा या तो इक्वल प्रोबेबिलिटी मानोगे, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर ऐसा निकलता ये एनपीवी, ये एनपीवी है, और बोलेगा कि एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, फिर कैसा करते। अगर इसी क्वेश्चन, सबका प्रोबेबिलिटी एक बराबर, यहां का, यहां का, यहां का प्रोबेबिलिटी एक बराबर मानते, कैसे होता जरा बताओगे। 0.33 0.33 0.33 0.33, तो यार एवरेज कर लो ना, 2500 प्लस ये तीनों को डिवाइडेड बाय 3 कर लेना, सबसे अच्छा है। आ गया ना यार कॉन्सेप्ट समझ, ठीक होमवर्क, पर ऐसा मांगा नहीं तो हम क्यों बेकार में दिमाग चलाए यार। इसको मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो छोड़ देता हूँ, 54 मैं करवाऊंगा 54, बाकी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर अगले क्लास से हम RADR और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आज एक वैरायटी पढ़ रहे थे, अलग टाइप की वैरायटी।